इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गंगोली की। अभी हाल ही में पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीतकर सौरव की टीम ने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। क्या ये जीत आगे भी जारी रहेगी या नहीं, इन्हीं सभी मुद्दों पर आइए करते हैं सौरव गंगोली से ही सीधी बात। सौरव, आपको मैच जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई, आपने एक ऐतिहासिक जीत कर दी। एक बात बताइए कि सुंदरबन से एक टाइगर निकला, बाकी सब वहीं पड़े रहते हैं, जैसे देश से बाहर गया उसने सारा कब्जा कर लिया, इसका श्रेय, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? देखिए, ये एक टीम गेम है क्रिकेट, तो जब भी कोई टीम जीतता है तो सबका परफॉर्मेंस से टीम जीतता है, किसी एक का परफॉर्मेंस से टीम ने कभी जीता नहीं है, ना कभी जीतेगा या हारेगा। तो जब इंडियन टीम कोई सीरीज या टेस्ट मैच या वनडे इंटरनेशनल जीतता है तो सारा टीम का कंट्रीब्यूशन रहता है उसमें, और सिर्फ 11 लोगों का नहीं जो खेल रहे, जो खेलते नहीं है, और जो हमारा जो सपोर्ट स्टाफ है, जॉन राइट, ग्रेग, एंड्रू, ये सब का बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। तो सिंस इट्स अ टीम गेम, आई थिंक आपसे पहले जो टीम लीडर थे वो टीम को साथ लेकर चलने में असफल हो गए, फेल हो गए, कैप्टन का भी रोल होता है ना उसके अंदर? नहीं, कैप्टन का तो जरूर रोल होता है, कैप्टन का इम्पोर्टेंट रोल होता है, बट पूरी टीम का उसके साथ साथ अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले का कैप्टन का बारे में मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन ये अभी मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये अच्छा है कि जब मैं कप्तान बना तो टीम अच्छे खेल रही है। आप टाइगर हैं इसलिए इसका कुछ कनेक्शन नहीं है। आई थिंक टीम में जो लड़के हैं, जैसे आप सहवाग, युवराज, कैफ, सहीर, हरभजन, पठान, बालाजी, कार्तिक, सारे एक्सेप्शनली टैलेंटेड लड़के हैं, दे मैच विनर्स। इसका मतलब सेलेक्टर्स में कोई इस बार आपकी ज़्यादा चली, सेलेक्टर्स के ऊपर कोई फिक्सिंग नहीं हुई, कोटा सिस्टम नहीं हुआ? मेरे को लगता नहीं, पहले तो ऐसे ही होता था ना, कोटा सिस्टम की, एक नॉर्थ का, एक साउथ का, एक वेस्ट। देखिए, मैं पहले का बात नहीं बोल सकता, लेकिन जब से मैं कैप्टन बना हूँ, अब ये प्रोग्राम, आप सोच रहे कि मैं प्रोग्राम है इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि ऐसा मैंने बहुत कम देखा है। और देखिए, सिलेक्टर्स में कभी कभी आइडियाज डिफरेंस होगा, क्योंकि इट्स नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी। आजकल तो कंप्यूटर है, स्टैटिस्टिक्स है, सब कुछ इसमें दिखाई दे जाता है, सब कुछ फोटो भी दिखाई जाता है, एक्शन भी दिखाई दे जाता है, कौन अच्छा है, कौन नहीं होता, सब कुछ स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स रहे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन बनाए और इंटरनेशनल क्रिकेट में उतने ज़्यादा रन नहीं बना पाए, और ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स रहे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में उतने अच्छे कर ही नहीं पाए, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके सीधे मैच विनर्स बने। तो अब ऐसे करके ये गेम में कभी इसलिए ये होगा कि उसके लिए वो होगा, ऐसे कभी ये गेम तो पाकिस्तान में जो टीम आपके साथ गई थी, आपको पहले तो डर लग रहा था, आप लोग सब कह रहे थे सिक्योरिटी है ये, तो आप जाकर के वहाँ एकदम टाइगर की तरह पड़ गए सारे के सारे, आपके अंदर डर था ना थोड़ा सा जाने से? जरूर, सिक्योरिटी का डर से ज़्यादा वी वर वरिड इन द सेंस कि जैसे हम सुने थे पहले पाकिस्तान में, इससे पहले हम पाकिस्तान गए नहीं, तो वी आर रियली कंसर्न्ड अबाउट द सिक्योरिटी, बट जब हम पहुँचे उधर, जो हमारी put in the right way, the way we were looked after, and it was fantastic. हम उधर 40 दिन रहे और we really really enjoyed the trip. तो अंदर से वो nationalism भी काम कर रहा होगा कि नहीं, हमने इस बार जीत के ही जाना है जहाँ से? देखिए, जीतने के लिए तो जब भी खेलते कोई भी टीम में, समझता हूँ कि वो जीतने की कोशिश करते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया में खेले, वहाँ इससे अच्छा खेले टेस्ट सीरीज में, क्योंकि उनका टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम था, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाके, जहाँ विकेट्स में पेस और बाउंस है, पर उतना अच्छा नहीं जीते जितना यहाँ पाकिस्तान में। तो आपने बिल्कुल एकदम हमने टेस्ट सीरीज सफाया कर दिया, उन लोगों ने टेस्ट सीरीज डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, हमारा किस्मत खराब था कि वनडे जो नहीं, जो टेस्ट मैच लास्ट टेस्ट सिडनी में लास्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने मैच सेव कर दिया, नहीं तो टेस्ट सीरीज हमारा। हाँ, वनडे में हम उतने अच्छे नहीं खेले फाइनल में, फिर लास्ट दो फाइनल में, लेकिन मैं मानता हूँ ये पाकिस्तान की जो सफलता है वो सारा ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए है। तो आपको ऑस्ट्रेलिया में सक्सेस मिली थी, उसकी वजह से आपका मॉरल बड़ा हाई था, टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और दूसरा दिखाना पाकिस्तान के अंदर जाकर के हम उनकी पिटाई भी कर सकते हैं उनके प्लेयर्स की। देखिए, एक तो इंडिया पाकिस्तान मैच अलग अलग किस्म का क्रिकेट होता है, वो दूसरे मैचों के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों टीमों के ऊपर बहुत प्रेशर है। आप अपने मीडिया की एंगल से देखिए, जितना मीडिया पाकिस्तान में गया था और जितना कवरेज में, मैं 3 दिन के लिए घर वापस आया था इंजरी के लिए, मैं जितना कवरेज में पेपर में देखा हूँ या न्यूज़ चैनल में देखा हो, किसी सीरीज में उसका आधा भी नहीं। सर, आप कह रहे हैं कि जब आप पाकिस्तान गए, आप लोगों का टीम स्पिरिट भी अच्छे, लोग खेले, लोगों का कहना यह है कि काफ़ी सारे वर्ल्ड के अंदर बाकी टीमें खत्म होती चली आ रही हैं, पाकिस्तान की टीम का हाल देख लिया आपने, बाकी वेस्ट इंडीज टीम खत्म हो गई, इंग्लैंड खत्म हो गई,
तो ये कहावत है हिंदी में, आप समझेंगे कि अंधों में काना रह जाती है, बाकी टीमें खत्म होती जा रही है, इसलिए आप नहीं नहीं यार ये साइन कर रहे हैं, ये गलत सोच है। ये क्यों नहीं सोचते कि इंडिया की टीम इम्प्रूव हो रही है बाकी टीमों से। अब ये पाकिस्तान देखिए, अभी न्यूजीलैंड से आए सीरीज जीत के, साउथ अफ्रीका आया था पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने जीता। आप ये भी मानते कि बाकी टीमें कमजोर होती चली जा रही है, जैसे किसी जमाने में हम भी कमजोर हो गए थे। बाकी टीमें कोई कोई कमजोर हुआ है, बट आई थिंक इंडिया का क्रिकेट आगे गया। तो इसमें आप जो टीम आपकी इम्प्रूव है, इसके लिए क्या दो स्ट्रेटजी कारण है उसका, या टीम स्पिरिट है, या कोच जैसे आपने कहा सब मिलके टीम स्पिरिट सबसे बढ़िया चीज है। स्ट्रेटजी भी होता है, लेकिन एक चीज आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि स्ट्रेटजी के लिए, स्ट्रेटजी को कैरी आउट करने के लिए टीम में लड़कों में टैलेंट होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है प्लेयर्स की एबिलिटी। इस टीम में सारे मैच विनर्स है। आप देखिए, एक फेल होता तो दूसरा मैच जिता के लेके जाता है, वही अच्छी टीम की खासियत है। और इस टीम में धीरे धीरे सारे, आपकी बैटिंग देखिए, सारे मैच विनर्स है, जो जिस दिन सेट हो गया वो मैच जिता के लेके जाता है। आपका बॉलिंग यूनिट देखिए, अभी किसी दिन कुंबले आउट कर देता है, नहीं तो पठान आउट कर देता है, बालाजी आउट कर देता है, तो आपका डिपेंडेबल बहुत लोग हैं। और अभी इस टीम एक खेलों का दूसरा सक्सेसफुल हो जाता है। आप ये देखिए, इस टीम में हरभजन सिंह खेला नहीं है, हरभजन सिंह और जहीर खान जो लास्ट 2 साल में हमारे सबसे सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं, तो जब वो वापस आ जाएंगे और वो फिट हो जाएंगे तो ये और भी स्ट्रांग हो जाएगा। ये जो टीम इतना अच्छा कर रही है, ये सीनियर प्लेयर जो पुराने कैप्टन है, उनको लगता है आपसे जेलसी है, जो उन्हें किसी ने आपको तारीफ नहीं किया। फिर गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, मतलब सीधी बात कर रहा हूँ आपसे, आप उससे डर रहे लगता है, सीनियर से डरते होंगे अभी भी आप। डरता किसी से नहीं हो, क्योंकि सारे देश ने आपको बधाई दी, बाकी सीनियर प्लेयर्स को सबसे सीनियर प्लेयर ने बधाई दी है। किसने कहा ये तो मजाक है? जैसे नहीं नहीं, सीनियर प्लेयर ने जरूर बधाई दी है, ऐसे नहीं कह सकता मैं, लेकिन सबका अलग अपना अपना थिंकिंग होता है। आप किसी एक ने अगर बधाई नहीं दिया, उसके लिए आप बाकी सीनियर प्लेयर्स के साथ आपने खेला भी, उनसे कुछ के साथ, तो उन्होंने कोई लेसन सीखा आपने? ये वो जो गलत काम उन्होंने किया आपने वो नहीं किया। देखिए, लेसन तो हर किसी से सीखते हैं। अभी मैं जब कप्तान हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जिनके साथ भी खेले आप कप्तान से, तो उसमें लगा कि वो जो काम वो करते थे वो आपने नहीं किया, नाम नहीं पूछना चाहूंगा। नहीं, जरूर ऐसे होगा, इस मेरे बाद जो कप्तान होगा वो भी ऐसे ही सोचेगा, वो भी ऐसा कुछ करेगा जो मैंने नहीं किया। ये हर आदमी ठीक काम नहीं कर सकता, बट लेकिन मैंने सीनियर से बहुत कुछ सीखा भी है। जैसे मैंने सचिन के कप्तानी में खेली है, अजहर के कप्तानी में खेली है, और मैं बहुत सीनियर प्लेयर्स के साथ खेला हूँ। कपिल देव के साथ एक सीरीज खेला था 92 में ऑस्ट्रेलिया, मैं खेला नहीं लेकिन उनके साथ था। गावस्कर साहब को पास से देखा हूँ, श्रीनाथ के साथ खेला। मैंने सवाल आपसे पूछा कि ये सब कैप्टन जिनके साथ खेले हैं, उनकी जो ऐसी कौन सी चीज थी जिनको आपने कहा ये फॉलो मैं नहीं करूंगा, जो आपकी अपना USP जिसको बोलते हैं ना मार्केटिंग में, देखिए मॉडलिंग भी करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, तो USP आपका क्या है? मेरा अपना अलग थ्योरी है कप्तानी का। मैं बिलीव करता हूँ कि टीम बनाने के लिए प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सारे प्लेयर्स मिलके खेलेंगे तभी टीम जीत सकता है, तभी टीम बन सकता है। पहले कप्तानों का ये रहा होगा, देखिए मैं 2 कप्तान देखा हूँ, तो मेरे लिए बाकी सबका जज करना मुश्किल है, और मैं करना भी नहीं चाहता। और ये चीज़ है भी, सबका अलग अलग सोच है, और मैं ये मानता हूँ कि जो भी इंडिया का कप्तान बनता है वो सोचता है कि इंडिया टीम जीते, क्योंकि इसमें उसका भी फायदा। कप्तान को टीम के लिए कोई हवा नहीं होना चाहिए, टेरर नहीं होना चाहिए ना, एक तो ये लगता है आपके हिसाब से, पहले वाले कप्तान लगता था कुछ टेररिज करते थे, छोटे प्लेयर बेचारे जाते हुए बात करते डरते थे। देखिए मैं सचिन की कप्तानी के जो मैं ज़्यादा खेल चुका हूँ उसकी कप्तानी के अंदर चीज़ें, ऐसा बात कुछ था नहीं, लेकिन ये चीज़ भी आपको माननी पड़ेगी कि अभी जो नए क्रॉप के लड़के हैं उसमें बहुत एबिलिटी है। तो ड्रेसिंग रूम का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर पहले से बहुत तो बेटर है ना? वो बहुत बेटर हुआ है, वो पहले से बहुत। तो कितना आपने बेटर किया, उसके लिए आपने क्या किया, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान सौरभ गंगोली से। सौरभ बता रहे थे ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, यानी कि आप टेररिस्ट नहीं है टीम के लिए, बड़े प्यार से बात करते हैं उनसे। नहीं देखिए, ड्रेसिंग रूम का एटमोसफियर सिर्फ कप्तान से अच्छा नहीं होता। जैसा कोई नया लड़का टीम में आता है, जैसे सोचे पार्थिव पटेल, वो आके जैसे ड्रेसिंग रूम में तेंदुलकर को देखते हैं, द्रविड़ को देखते हैं, कुंबले को देखते हैं, गांगुली को देखते हैं, तो वो इन 4 सीनियर प्लेयर्स के ऊपर वॉच करते कि वो क्या कर रहे ड्रेसिंग रूम में, कैसे प्रेशर को हैंडल कर रहे, कैसे रिएक्ट कर रहे खराब सिचुएशन, कभी अच्छा होगा कभी खराब होगा, तो उसी से सब सारे सीखते जो यंग लड़के टीम में आते हैं। और एंड आई थिंक दिस सीनियर गाइज इन टर्म्स ऑफ सचिन, राहुल, अनिल, श्रीनाथ इन द पास्ट, एंड जॉन, यू नो, हु इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम एज वेल,
you know, they are equally important in making this dressing room, because it's very easy to lose your head when you don't do well. But the toughest bit is to get everybody together when you're not doing well. Dressing room के बाहर अंदर चलती किसकी है? क्रिकेट में ये तो है कि कप्तान जो है, आप ऐसे कप्तान हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं, कि कप्तान की कोच की ज्यादा चलती है, जो जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़ करके आ जाते हैं उनकी ज्यादा चलती है टीम के सिलेक्शन में? नहीं, जब जब एक बार टीम हो जाता है तो कोच और कप्तान के सबसे ज्यादा चलते हैं। मैच के बाहर, ग्राउंड के बाहर कोच अपना सजेशन देता है। टीम के सिलेक्शन में किसकी चलती है ना? कप्तान की भी चलती है, सिलेक्टर्स की। आपका वोट नहीं है ना उसमें? जरूर है, आपका वोट। अल्टीमेटली डिसाइडिंग वोट मेरा ही है। वोट वीटो पावर आपके पास है, आप खुश हैं उसे जो भी सिलेक्शन प्रोसेस से? अभी तक चार साल में मेरे को जो सपोर्ट मिला है सिलेक्शन बोर्ड से, मेरे को कुछ कंप्लेन नहीं। तो आपको लगता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में जो तो कंट्रोवर्सी आ जाती है, जैसे अभी काले की कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये तो सिलेक्शन सिलेक्टर जो हैं, कई बार कोई प्रूफ तो है नहीं किसी के पास कि पैसा लेते हैं, कोटा सिस्टम है कि एक नॉर्थ का होना चाहिए, एक वहां का होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो ये पैसे देने की बात चल रही है, ऐसा नहीं होता। और देखिए, इस मामले को मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, बट अगर मेरे को थोड़ा इस पे आई स्टिल फाइंड डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अभिजीत काले कुड हैव ऑफर्ड द मनी, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं अभिजीत काले को बहुत दिनों से जानता हूँ। उन्होंने जो दो सिलेक्टर उसको पैसा ऑफर किया है, उनसे मेरी बात हुई नहीं। तो ये मामला अभी जब तक इसका डिसीजन नहीं होता, जब तक आप कन्विंस हैं कि अभिजीत काले ऐसा करता नहीं, बिलीव नहीं कर सकता, बाय नेचर ऐसा आदमी नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता। तो ये कंट्रोल, इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स आ जाती है सिलेक्टर्स के माइंड में भी। नहीं देखिए, अगर वो कहा, अगर उसने ऐसी बात कही है सिलेक्टर से, तो उसको उसका नहीं, आप मानते नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, अगर मैं सवाल सीधा करूँ कि आप ये मानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो अभी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स होगी? इट्स नॉट टोटली मेरिट बेस्ड, टोटली 100%। देखिए 19-20 तो हर जगह होता ही है, बट अगर मेरे को पूछेंगे आप, मैं ऐसे बोलता हूँ, अगर मेरे को पूछेंगे आप कि जो आपको टीम मिलता है हर सीरीज के लिए, आप उससे खुश है कि नहीं, और जैसा आपको चाहिए वैसा टीम मिलता है कि नहीं, मैं जरूर बोलूंगा हाँ। और इसमें 100% सच्चाई है। किसी का नाम डिस्कस होगा, किसी को अपना सिलेक्टर जोर लगाएंगे ये सोच के कि अच्छा प्लेयर है, लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल 14 जो टीम बन के जाती है प्रेस में, रिलीज होती है रिलीज टीम, तो उसमें कुछ डर रहे हैं, मतलब सच बोल रहे हैं क्या? या लगता है कि बीसीसीआई का कंट्रोल इतना आपके ऊपर कि आप कप्तान से नहीं डरता? क्योंकि ये अगर मैं क्रिकेट नहीं खेला तो मेरा लाइफस्टाइल उतना ही रहेगा जितना क्रिकेट खेल के होता है। ऑब्वियसली ये इंडिया का है, इंडिया के लिए खेलता हूँ, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ऑब्वियसली जैसा आप क्रिकेट टीम सक्सेस में एक प्लेयर जो एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, मैनेजर का भी होता है। मैनेजर अच्छा होगा, फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी। मैनेजर का होता है, लेकिन इंडियन क्रिकेट में एक सिस्टम है कि हर टूर पे मैनेजर चेंज होता है, इसलिए कि वोटर होता है वो हर टीम में, मैनेजर वोटर होता है जो भी बोर्ड का पॉलिसी। बाकी कंट्रीज में तो नहीं होता है ना, मैनेजर परमानेंट होते हैं। इंडिया में ये सिस्टम है, अभी अब सब कुछ तो दूसरे कंट्री जैसा नहीं हो सकता। ये सिस्टम है कि हर टूर पे मैनेजर चेंज होता है, वो वोट के लिए हो या जिसके लिए भी हो, वो उसमें मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन मैनेजर का प्रोफेशनल मैनेजर होना चाहिए ना, मैं मानता हूँ होना चाहिए। इज देयर अ नीड फॉर अ प्रोफेशनल सीईओ? देखिए, इफ द सीईओ कैन डू अ बेटर जॉब बाय इफ द बोर्ड कैन बी रन इन अ बेटर वे बाय हैविंग अ प्रोफेशनल सीईओ, यू डू इट। क्रिकेट बोर्ड जो है आपका अभी कंट्रोल किया जा रहा है, जो पॉलिटिशियंस हैं या बिजनेसमैन हैं या कोई घड़ी बेचने वाला है या कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बेयरर है, बाकी किसी कंट्री में इतना सब नहीं है। आपको लगता नहीं कि इससे क्रिकेट की वो अपने बेनिफिट के लिए सबसे आगे आते हैं और प्लेयर पीछे रह जाते हैं? नहीं, मेरे को नहीं लगता प्लेयर पीछे रह जाते। देखिए, पहले से अभी इंडियन क्रिकेट में पैसा आया, 8 साल हुआ है। पहले उतना पैसा नहीं होता था इंडियन क्रिकेट में, अभी पैसा आया है तो धीरे धीरे प्रोफेशनलिज्म भी आ रहा है। अब देखिए, प्लेयर्स का सैलरी इंक्रीज हुआ है, प्लेयर्स के स्टैंडर्ड ऑफ ट्रैवल फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ होटल इंक्रीज हुआ है, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स के पैसे बढ़े हैं। अभी पर आपको उतना मिलता है जितना बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स को मिलता है उनके कंपैरिजन में, लेकिन हमारे क्रिकेट में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा अभी तक? वो आ रहा है, वो हमारे डालमिया साहब और बोर्ड से बात हो रही थी लास्ट 1.5 साल से, अभी वो फाइनल स्टेज पे पहुंच गया, वो जरूर शुरू हो जाएंगे 3-4 महीने। क्रिकेट के मामले जो स्पोर्ट खाता उसके अंदर क्रिकेट बोर्ड की चलनी चाहिए या कप्तान की चलनी चाहिए, दोनों मिलकर काम करनी चाहिए। और लोगों का एक चार्ज है आपके ऊपर, आप जब आपने एक प्लेयर बेनिफिट के लिए कुछ एसोसिएशन बनाया था ICC के प्लेयर्स, उसके बाद जब आपका उन्होंने
दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू, उसके बाद आपने प्लेयर्स को छोड़ दिया, रणजी ट्रॉफी के लिए कुछ नहीं किया आपने उनके प्लेयर्स के लिए, रणजी ट्रॉफी के लिए कुछ नहीं किया। अब इस साल पता करें रणजी ट्रॉफी का पे स्केल कितना कितना इम्प्रूव हुआ है, 3 दफा बढ़ा है। डिफेंस होगी ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, वो प्लेयर्स ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, लेकिन वो प्लेयर्स ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बोर्ड के साथ मिलना पड़ेगा, वो अभी नहीं हो पा रहा है। तो प्लेयर एसोसिएशन अभी भी ऑपरेटिंग है, पतावदी साहब है, अरुण लाल साहब है, लेकिन उनका कुछ काम नहीं है, पैसा पड़ा रहता है बैंक पे, कुछ काम करना पड़ेगा ना। काम हाँ। करेंगे, काम तभी करेंगे जब हम बोर्ड के साथ मिलके कर सकते हैं। तो जब तक वो नहीं होगा, बोर्ड का कंट्रोल तो आप प्लेयर्स के पास है नहीं, बोर्ड का कंट्रोल तो दूसरे लोगों के पास है ना। नहीं, हम बोर्ड को कंट्रोल क्यों करें? हम पैसा तो बोर्ड के पास फिक्स डिपॉजिट पड़ा हुआ है 100-150 करोड़, 150-150 करोड़। लेकिन वो तो आप लोगों ने कमाया है ना। लेकिन वो तो क्रिकेट के लिए एक्सपेंस भी होता है ना, जैसे प्लेयर्स का फीस। अभी भी इस देश के अंदर स्टेडियम नहीं है कहीं अच्छे, सिवाय मोहाली के अलावा कलकत्ता में बना, बाकी आप त्रिवेंद्रम में कोई स्टेडियम अच्छा नहीं है, जयपुर में कुछ नहीं है। मैं आपको बोल देता हूँ कहाँ कहाँ अच्छे स्टेडियम है। मोहाली, दिल्ली में देखो, दिल्ली इतनी बड़ी जगह है, अभी बन रहा है, मतलब कितने साल लगे बनने में? ठीक है, मोहाली में एक है, कलकत्ता में है, बॉम्बे में है, बैंगलोर में है, मद्रास में है, अभी हैदराबाद में एक स्टेडियम बन रहा है। जो आपको लगता अभी इतने साल बाद क्रिकेट स्टेडियम बना ना, इसका बोर्ड अपना काम जो करना चाहिए आप उससे जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, पैसा तो अभी आया 8 साल में। 8 साल तो बहुत होते हैं, 8 साल में तो सारा देश बन जाता है, स्टेडियम नहीं बन सकते क्या? 8 साल में सारा देश तो नहीं। मोहाली कितना टाइम लगा बनने में? 2-3 साल लगे। हाँ, तो फिर 8 साल में बाकी जगह क्यों नहीं बने? एक मोहाली बना है ना, तो हर जगह तो बनने पड़ेंगे ना। अभी दिल्ली बन रहा है, हैदराबाद बन रहा है, तो धीरे धीरे। और बोर्ड को फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी चलाना पड़ता है। आप सोचिए, अंडर 15 क्रिकेट, अंडर 19 क्रिकेट, अकेडमी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम इससे अच्छे नहीं कर सकते, हम जरूर इच्छा इससे अच्छे कर सकते। बोर्ड, आप इतना बोर्ड की तारीफ कर रहे हैं, बोर्ड आपका इतना खुश है आप बोर्ड से, आपसे लगता है? नहीं, हम खुश है, लेकिन हमको हम बोर्ड से खुश है, लेकिन हमारे थोड़े डिमांड भी है जो धीरे धीरे होगा। जैसा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मैंने आपको बताया, जैसा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आना चाहिए ना, आपने टाइम लिमिट लगाई है उसके ऊपर, कब तक आना चाहिए? अभी आ जाएंगे 2-3 महीने में। आप देखिए, अगला सीजन शुरू होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ जाएगा। हमारा बोर्ड से डिमांड था कि फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को पैसे मिलने चाहिए जा रहे हैं। अभी उनका फी एक रणजी ट्रॉफी मैच खेलने से 4 दफा हो गया। इतना पैसा मिला है, फिर आप लोग मॉडलिंग क्यों करते हैं पैसे कमाने के लिए? आप सहारा इंडिया से बड़ा बोर्ड लगा के चल देते हैं, और जब और ज्यादा पैसे, आपको अगर बोर्ड ज्यादा पैसे दे तो मॉडलिंग थोड़ा स्ट्रेस कम होगा ना आपके ऊपर? अब मॉडलिंग में स्ट्रेस कम होता है, जाना पड़ता शूटिंग करने के लिए। साल में अगर 6-7 दिन मांगे, अगर बोर्ड के पास पैसे हैं इतने सारे, तो आपको देने चाहिए, ताकि आप बाकी जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इतनी मॉडलिंग नहीं करते प्लेयर जितने आप लोग करते नहीं करते इतनी नहीं करते इतनी आप करते नहीं। आप शेन वॉन को देखें, आप स्टीव वॉ को देखें, आप ब्रायन लारा को देखें, आप कितने के लिए मॉडलिंग कर रहे हैं? और शेन वॉन कितने के लिए? शेन वॉन भी 5-6 कर रहे हैं, तो आपसे आपके मुकाबले में उतने करते हैं, बाकी जरूर करते हैं। इंग्लैंड में नहीं, इंग्लैंड में आप बेकम को देख ले, जिस कंट्री में जिस कंट्री में जो स्पोर्ट पॉपुलर है। आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए क्रिकेट पॉपुलर है, आप इंडिया में आए क्रिकेट पॉपुलर है, इंग्लैंड में आए बेकम। आपको पता है बेकम का इनकम कितना है साल का? साल का नहीं, महीने का। आप भी उतनी इनकम कमाना चाहते हैं? वैसा हो ही नहीं सकता क्रिकेट में, किसी और स्पोर्ट में जैसा बेकम का इनकम है वो किसी और स्पोर्ट में और किसी और फुटबॉलर को भी नहीं हो सकता। अगर आपको और कुछ 2 साल मिल गए तो आप क्या चेंज करेंगे क्रिकेट के अंदर? 2 साल में देखिए, जैसा आप अगर दो चीजें बताइए जो चेंज करेंगे आप। ये दो चीजें तो बोलना एकदम स्पेसिफिक करके मुश्किल है। मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। हमको एक चीज देखना पड़ेगा कि हमारी कैलेंडर में जितने हम क्रिकेट खेलते हैं वो थोड़ा बराबर स्पेस हो जाए, और हम ज्यादा टेस्ट खेले, हम बहुत ज्यादा वनडे खेलते हैं, वो एक चेंज होनी चाहिए। होता है ना पानी में जो फाल आता है, एक बार क्रिकेट टीम हमारी होता है जैसे बबला फूला और फट जाता है। और जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आना बहुत जरूरी है, आपकी प्रायोरिटी यही है, तभी प्लेयर के लिए स्टेबिलिटी होगी। सौर साहब आप क्या करेंगे अगले कुछ सालों में तो समय ही बताएगा। आप हमारे स्टूडियो में आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात, सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की, इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए